हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे वेब पे जर्नी सर्विसेज डॉट कॉम पर स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले GSTR-1 क्वार्टरली रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। तो मैंने एक GST लॉगिन ऑलरेडी मेरा ओपन करके रखा हुआ है, तो उससे हम लोग इस पर देखेंगे GSTR रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। तो यहाँ पे आना है आपको, फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है, यहाँ पे मार्च मंथ सेलेक्ट करना है क्योंकि मेरा अभी मार्च का ही पेंडिंग है, तो मैं मार्च मंथ सेलेक्ट करना है। और फिर ये मेरा प्रिपेयर ऑनलाइन करना है। ये डेटा मैंने ऑलरेडी फिल करके रखा है ताकि मैं आपको वीडियो में एक प्रॉपर तरीके से समझा सकूं। ये जो है कॉलम नंबर 4-3 जो है इनवाइसेस का, यहाँ पे आपको आपके जो भी इनवाइसेस रहेंगे सारे इनवाइसेस यहाँ पे अपडेट करना है। उसके बाद आपका जो भी बड़ा बिल रहेगा वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है। क्रेडिट नोट डेबिट नोट रहेगी तो वो इस यहाँ पे अपडेट करनी है। क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड डीलर को दिए रहेंगे तो वो यहाँ पे। एक्सपोर्ट इनवाइस कुछ रहेगा तो वो यहाँ पे। अगर आपका कोई पिछला बिल अमेंडमेंट करना रहेगा जो B2B है वो आपको यहाँ पे अमेंड करना पड़ेगा। अगर लार्ज बिल कोई है तो वो आपको यहाँ पे करना है। अगर एक्सपोर्ट इनवाइस कुछ आपको अमेंड करना है तो वो ये कॉलम में करना है। अगर आपका कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट अमेंड करना है तो वो यहाँ पे। तो ये स्पेसिफिक रजिस्टर पर्सन के लिए है, और नीचे वाला जो है ये अनरजिस्टर पर्सन का कुछ अमेंडमेंट रहेगा क्रेडिट नोट या डेबिट नोट का, तो वो यहाँ पे करना है। अगर आपका B2C मतलब B2 कस्टमर है जिनका GST नंबर नहीं रहता है तो वो यहाँ पे आएंगे। वो भी स्टेट वाइज आपको ब्रेकअप करना है। नील रेटेड सप्लाइज कुछ रहेगा तो वो, टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसीव कुछ रहेगा तो वो यहाँ पे, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस कुछ रहेगा तो वो यहाँ पे, HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाइज क्योंकि मेरे सर्विसेज है तो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ ये, और डॉक्यूमेंट इशूड ये आप यहाँ पे आपको आपका इनवाइसेस नंबर डालना है, तो ये मैंने डाल दिए। और फिर आपको जाके जनरेट यहाँ पे क्लिक करके सबमिट बटन करना है और फिर बाद में फाइल रिटर्न करना है। अभी मैं ये आपको सिर्फ डेमो दिखाने के लिए दिखा रहा था। वो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।